मौजूद है मधुरम रेस्टोरेंट में। तो मधुरम रेस्टोरेंट फेमस है अपने नॉनवेज प्रोडक्ट के लिए, और यहाँ मेनली आप इवेंट्स बुक करा सकते हैं, बर्थडे पार्टीज के लिए, किटी पार्टीज के लिए, या जिस इवेंट को आपको अगर बुक करना है तो मधुरम रेस्टोरेंट इसके लिए फेमस है। और ये लोकेटेड है नियर पंच शिव मंदिर, लोहिया नगर बोर्ड हाउसिंग कॉलोनी के पास। तो यदि आप लोहिया नगर बोर्ड के पास आते हैं तो वही हाउसिंग कॉलोनी की स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएगा। और यदि आप आना चाहते हैं, इवेंट्स बुक करना चाहते हैं, यदि आप बर्थडे पार्टी करना चाहते हैं, या फिर खाना चाहते हैं, रेस्टोरेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं। तो मेनली लोगों को इंतजार रहता है कि ऑफर क्या है, तो एक्साइटिंग ऑफर आप बता सकते हैं अभी क्या फिलहाल चल रहा है? एक्साइटिंग ऑफर अभी मेरे पास 10% का डिस्काउंट चल रहा है ऑल ओवर दिल्ली। 10% का डिस्काउंट चल रहा है। और सर इस रेस्टोरेंट में मतलब क्या लोगों को अट्रैक्ट करता है सबसे ज्यादा? अट्रैक्ट अभी यहाँ पे आपको फंक्शन वगैरह होते हैं, तो बर्थडे पार्टीज के लिए लोग यहाँ बुक करा सकते हैं। ज्यादातर बुकिंग बर्थडे पार्टीज वगैरह के लिए होती है। अच्छा, लैंडिंग होती है। थैंक यू सो मच सर। कब से आती हो आप मधुरम रेस्टोरेंट में? ऑलमोस्ट जब से ये खुला तब से आ रही हूँ, लाइक 2019 से आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो कौन सा फूड आइटम तुमको यहाँ बेस्ट लगता है? मेरे को वेज मंचूरियन और नूडल्स। अच्छा, और नॉन वेज तो मैं खाती नहीं। अच्छा, बट यहाँ के नॉन वेज मेरे फ्रेंड्स ने बताया बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है इस रेस्टोरेंट का एम्बियंस, फूड क्वालिटी और हॉस्पिटैलिटी? अच्छा है, बाकी यहाँ के नियर बाई लोकेलिटी के कम्पेयर में यहाँ का मतलब एम्बियंस बहुत अच्छा है। एम्बियंस बहुत, हॉस्पिटैलिटी वो भी अच्छा। हमारे भैया जो है यहाँ
वो बहुत अच्छे, उनका नेचर बहुत अच्छा, अच्छा है, वो काफी लॉयल है, ऑनेस्ट है। अच्छा, ओके, तो कब पसंद करती हो इस रेस्टोरेंट को? यस, मैं यही प्रेफर करूंगी। अच्छा, थैंक यू। खा चुका है और खाना मुझे काफी ज्यादा टेस्टी और काफी ज्यादा ये मिलेगा। तो जो फूड आइटम्स जो मुझे मिले थे, नंबर वन जो मुझे मिला था पनीर टिक्का, तो पनीर टिक्का जो था वो काफी ज्यादा अच्छी था, थोड़ा क्रिस्पी था बट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। नंबर टू जो मुझे मिला था वो चिकन टिक्का था, तो चिकन टिक्का भी काफी ज्यादा अच्छा था और बिल्कुल वो मतलब लाइन से लगा हुआ था, काफी ज्यादा एडोरेबल था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन था वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और खाने में वो काफी ज्यादा मुझे टेस्टी लगा। नंबर थर्ड जो मुझे मिला था चिकन अफगानी सीख कबाब, चिकन अफगानी सीख कबाब काफी ज्यादा क्रिस्पी था, बहुत बहुत अच्छा खाने में लग रहा था यार, रियलिटी में खा रहे कुछ, बट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। नाउ नंबर फोर्थ आइटम व्हिच आई गॉट टुडे बट पनीर चिली ड्राई, तो पनीर चिली ड्राई मुझे बहुत बहुत शुरू से मेरा फेवरेट आइटम रहा, वन ऑफ माय फेवरेट आइटम रहा है, वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, थोड़ा क्रिस्पी था बट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। फिर मिला था मुझे बेबी कॉर्न क्रिस्पी ड्राई, तो बेबी कॉर्न क्रिस्पी ड्राई भी बहुत अच्छा था। बेबी कॉर्न क्रिस्पी ड्राई आपको मालूम ही है कि बेबी कॉर्न क्रिस्पी ड्राई क्यों फेमस है, छोटे छोटे पीस में होता है बट बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे काफी काफी ज्यादा क्रिस्पी लगा और काफी ज्यादा टेस्टी मुझे लगा। चिकन मंचूरियन ड्राई, चिकन मंचूरियन ड्राई जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा लहरी था और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये भी लगा, थोड़ा क्रिस्पी था, ये भी क्रिस्पी था क्योंकि आप मेनली नॉनवेज के लिए है, ज़्यादातर आइटम आपको क्रिस्पी ही आ लगेंगे, तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज वेज हक्का नूडल्स, तो वेज हक्का नूडल्स जो था उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स एडेड थे जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगा, जो नूडल्स या बाहर जो खाते उससे तो कई गुना ज़्यादा मुझे टेस्ट यहाँ का लगा, सो वेज हक्का नूडल्स वॉज ऑल्सो ऑसम। सो कुल मिला के कहूँ मैं एम्बियंस के मामले में, हॉस्पिटैलिटी के मामले में, फूड क्वालिटी में रेस्टोरेंट बेस्ट है और अब तक मैंने जितने रेस्टोरेंट देखे उन सब में मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा ये रेस्टोरेंट। और मैं क्या कहूँ, यहाँ का एम्बियंस इतना अच्छा, हॉस्पिटैलिटी इतना अच्छा था, द होल थिंग इज वेरी हजारिक, द एम्बियंस इज सो गुड, द हॉस्पिटैलिटी इज सो गुड, एंड मैं क्या करूँ, टोटल मिला के मैं यही कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट कैफे ऑफ पटना यदि मैं कहूँ तो मधुरम रेस्टोरेंट होने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग एक बार यहाँ जरूर आइए, खाना टेस्ट कीजिए, इन्जॉय कीजिए, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था।